धिया पुता ना 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 आ जकरा से प्रेम रहो छोड़ छोड़ दल का उला भररा ले जा चल गेल की दोसर बियाह कर हमरो कोनो ना है चलो हमरा से कर दिया बियाह तू हमरा से बियाह करब हां हमरा मन है तोरा घर में कुछ हो ए हमरा घर में कमी है काची है बाप रे बा छत के मकान है हां दूरा पर चपाकल है अच्छा तोरा की बुझ है छो गाड़ी उड़ी हो गाड़ी तीन गो गाड़ी है तीन गो अच्छा तो आपका बहुत कुछ है हाँ, बहुत कुछ है तो मैं ब्याह कर लूँ कर दो ब्याह तो चलिए अभी मंदिर में महारानी के दरबार में चलिए मंदिर में हाँ एगो बात सुन लो कि हमरा कोतिया नैया बड़ा देख के जर तो दे रही है मन हम ना दे रहा हम ड्राइवर ना की ना आती हम आईटीआई करी चल दे रहा मन चल हे नसीन चाहिए हे घर ए घर हम देख लो बाप रे ई त बड़ा सुंदर घर है हां ए ई हमरा बुझाइए जे कल बीने में टूट जा ना ना बीने में टूट जा अरे महामोली खानदान घर के लड़के ना हां त हे हमरा ला जा दुकान पर से खोपी चौक पर से अंडा रोल बनवा के लिया बता चेहरा क्या देखती हो चेहरा क्या देखती हो दिल में उतर कर देखो देखो हमर बोली वहे लगैया जे हमरा पुरन की पीछा कैले हो तो हर कानी हां अरे बाप रे आहे अब ओकरा से हमरा सीने न जोड़े के तो तू तो कहला से घर छोड़ के चल गेला चल गेलैया फेन ओकरे आवाज लगैया ओकरे आवाज लगैया हे सुना ना चला ना घर में हम बिछाना बिछवाई ले चल अरे कौन हाउ रे अरे केकरा से तू बतियाई छी गे हमर वाईफाई वाइफ वाइफ के मतलब गे हमर जनाना 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 हां अरे नि पुत्रा के जन्म हां रुक पहले आवे दे हमरा तब तोरा हम भेंट करा दे ए सुने सुने आय एकदम मत डरे के ओकरा से कमजोर ना हत आहे हमर बाबू माखिया खिया के इतना चौकस दे बना दे एगो बात कह दो तो 10 को कही हम चहर का बोलब हमर बहनी से ओकरा लछ आहे हम पीछे हटे वाला लड़की ना आती है ये का किया का हस्ता पहचा कहिए बिया आगे अब भगनी के चल मन आगे बेसिया ये बता जे हमरे भतार तोरा देख लोगे आगे गे तो तोरा मुंह हमर भतार नियर गे आगे तोर भतार तोरा बुझाई छौ की आगे तोरा इतना बड़का मेला लागल है तोरा भतार ना रहल है हैं आय तोरा भतार ना रहल है आगे अगली आइला से पाछली आ पछली आइला पुर धाल गे देख ले आगे हमरे भतार देखलो ई पुरबा ना रहल है आइली ना गेलिया फलान बहु कहली गे तोरा मन में की है गे उल्टे हमरा घर में आके तुरक धारी करै छे त सीधा से फरिया गे भतियार के कांटा तोड़ दे कोटा तोरा तोरा ऊपर कल लेके रोड पर फेंक बहू कितना बाबू भैया ने कर जाते अरे ई बता तोरा बेल बाबू के कांटा बुझाई छो कि रे
भतियान के काटा ओकरा तोड़ ये एकरा पेरू के काटा मस्का हे दीदी दीदी हम सता बेमतलब के लड़ाई आखिर हमरा बियाह का कलर खून आवे तब ना हम घर में आलियो इनी पुतरा के घर के चार है बिगड़ा हे जाना छू तोरो शादी का कलिया ना हमरो ले बाकी हम दोनों बहिन आपस में कहला लो लड़म चला ना चल हम सा आधा छोरा दे हम सा लड़म बीच में आ तनो छोरा दे कि ओकरे धक धक चल अब आगे भगनी के चलवा जरा सामान चल देख ले तू देख ला चल गए अच्छा तो श्रीमान जी अब आप इस समय से नाटक देखिए इस समय से हमारा कंपनी का ड्रामा शुरू होने जा रहा है इस पार्टी का शेरे बिहार एक्टर साहब बोनीलाल जी आपको सामने आ रहे हैं गोरखनाथ के रोल में आप लोग शांतिपुरी को बैठे और इस कंपनी का ड्रामा शुरू ये शहर का क्या नाम है ये शहर का नाम थूनापुर शहर है थूनापुर छूनापुर जहाँ का राजा कौन है राजा तिलक चंद सिंह मैं बहुत दिन से राजा तिलक चंद सिंह का नाम सुन रहा था वह बहुत दानी राजा हैं। मैं उनका नाम सुनकर इस दरबार में आया था और कितना देर से मैं अलख जगा रहा हूं अभी तक पद्मती भिक्षा नहीं मिला मिलेगा बाबा मिलेगा आसन तो ग्रहण कीजिए आशा लगा बच्चा आला खिल रंजन दासीन कहिए क्या बात अपने दरवाजे पर एक महात्मा जी आए हुए क्या कहें चलो चले बने तो कुछ दान पुण्य कर दो अपने स्थान को प्रस्थान करेंगे ठीक है मैं स्वयं जा रहा हूँ Yeah.
सब है तोहरो I'm
खरे खरे लेते हैं, वो खरे खरे चले जाते हैं। बाबा आप क्यों नहीं लीजिएगा? दाशी बाबा, हमारे गुरु महाराज का आदेश है। क्या आदेश है बाबा? मैं जहाँ भी कहीं जाता हूँ तो महल के महारानी से भिक्षा लेता हूँ। अगर महल के महारानी से भिक्षा दान दिलवाना है, जॉब है तो महारानी को, मैं तुम्हारे यहाँ से भिक्षा नहीं लूंगा। अरे किन्ने गेले रे? अरे बाबा नो ले ले। बाबा बोलो, देखो तो ले छू ना करला, देखो खरे 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 ले ला, खरे खरे चल जा, विलंब कल्ला के ले हत। अरे बेहुदा, तुमको बोलने का तमीज नहीं है। कैसे ये बताओ, भिक्षा खरे खरे नहीं दिया जाता है, खरे खरे नहीं लिया जाता है तो भिक्षा क्या बैठ कर दिया जाता है और बैठ कर लिया जाता है? देखो खरे खरे तो ले ला, चल जा खरे खरे। अरे नहीं जानते हो तुम, हमारे गुरुदेव का आदेश है, मैं जहां भी कह जाता हूं तो महल के महारानी के हाथ से भिक्षा लेता हूं। दासन के हाथ से भिक्षा लेना हमारे गुरुदेव का आदेश नहीं है। ठीक है बाबा, आप स्थान ग्रहण कीजिए, जाओ महारानी के भजो। अगर महारानी भिक्षा दान देगी लूंगा या नहीं तो मैं दरबार से खाली हाथ वापस चला जाऊंगा। महारानी जी के प्रणाम हो। खुश रहो दासी, दरवाजे पर एक महात्मा जी आई हुई है, मैं भिक्षा लेकर गए। वो भिक्षा नहीं लिए, क्या कहे कि जाओ महारानी का भेज दो, मैं महारानी से भिक्षा लूंगा। ठीक है दासी, तुम जाओ महल के कार्यक्रम देखो, मैं जा रही हूँ। महारानी जी खुश रहो दरबारी, अपने दरवाजे पर एक महात्मा जी आए हुए हैं, दासन गए भिक्षा लेकर, दासन के हाथ से नहीं लिए। क्या कहे महात्मा जी? यही सिराज का महारानी को भिक्षा देना है, दिलवाना है बच्चा, तो दिलवाओ नहीं तो हम यह चला। नहीं नहीं दरबारी, मैं जा रही हूँ। महात्मा जी की प्रणाम। महारानी जी की जय हो। हे महारानी। बाबा मैं बहुत दिन से सुन रहा था, छोटापुर शहर में तिलक चंद सिंह का नाम, राजा तिलक चंद सिंह बहुत दानी राजा है। मैं उनका नाम सुनकर इस दरबार में आया था, कितना देर से लख लगा रहा हूं और अभी तक पांच बजे भिक्षा नहीं मिला। महारानी महात्मा जी, मैं भिक्षा लेकर के दासन के हाथ में भेजी थी, लेकिन आपने दासन के हाथ में भिक्षा ले ली। हे महारानी, हमारे गुरुदेव का आदेश है, मैं जहां भी कहीं जाता हूँ तो महल के महारानी के हाथ से भिक्षा लेता हूँ। बाबा दासन के हाथ से भिक्षा लेना हमारे गुरु महाराज का आदेश नहीं है। भिक्षा लेने से पहले महात्मा जी, मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। क्या कहना चाहती हो बोलो। बोलो महारानी। Thank you.
हो एक गो लड़िकवा हो जी। तुम्हारे पास 14 कोस का राजपाट है। हाँ बाबा। हाथी है सार घोड़ा घोड़सार भाई संपत सोना चांदी सब कुछ परिपूर्ण है। जी हाँ बाबा। परंतु एक संतान नहीं है। जी नहीं। बहुत दुख भरी बात सुनाई महारानी तुम, और ये तुम्हारी दुख भरी सुनकर बात मेरे दिल में बहुत बड़ा दर्द पैदा हुआ। यह राजपाट किस काम का है? जिस राज में संतान न हो। ठीक है महारानी, मैं वचन देता हूं, आज से ठीक 9 महीने के बाद तुम्हारे कोख से सुंदर संतान पैदा होगा। महात्मा जी बहुत खुशी की बात होगा, लेकिन पहले क्या तुमको मेरे साथ सच करना पड़ेगा। महात्मा जी मैं आपके साथ सच करूंगी। बोलो एक साथ, एक साथ, दो साथ, तीन साथ, सच से सत्य करे, सच से सत्य करे, अस्सी को नरक में पड़े, अस्सी को नरक में पड़े। लो महारानी मैं तुमको एक प्रसाद देता हूं, संभाल इसको गर्भवती भव महारानी। इस प्रसाद को क्या करना है जानती हो? कल सुबह में स्नान करके पवित्र कर लेना, ठीक है महात्मा, और उसके बाद ये प्रसाद को पा लेना। प्रसाद पाने के वक्त तुम मेरा नाम लेना, क्या? गुरु गोरखनाथ। ठीक है महात्मा जी, मैं आपके नाम लूंगी, और इसी प्रसाद के प्रभाव से तुम गर्भवती हो जाओगी। बहुत खुशी की बात होगा महात्मा जी, इसी प्रसाद के प्रभाव से तुम गर्भवती हो जाओगी। आज तुम्हारे गर्भ से 9 महीने के बाद सुंदर लड़का पैदा होगा, उसका नाम रखना क्या? भक्त गोपी चंद। महात्मा जी लेकिन आपने मेरी लड़का को बहुत सुंदर नाम चुन के रखा है। हाँ, क्यों नहीं नाम रखेंगे? और सुन लो महारानी, क्या मेरे पास मात्र 12 वर्ष तक रह सकता है। महात्मा जी फिर कहाँ चले जाएगा वो? 12 वर्ष के बाद उस लड़का के तुमको जोगे में दान दे देना। बाबा ये आपने क्या करे हैं महात्मा जी? अरे शाही होगा महारानी। नहीं महारानी, तुम मेरे साथ सत्य किया है ना, सत्य करके सत्य करोगी मैं श्राप दे दूंगा, राजपाट विध्वंस हो जाएगा, हाथी हसार में मरेगा, घोड़ा घोड़सार में मरेगा, चौदह कोस के फर्जा चलकर भस्म हो जाएगा। महारानी दरबारी सकर लीजिए, बाद में देखा जाएगा, नहीं तो ये महात्मा शराब देकर यहाँ से चला जाएगा। ठीक है बाबा, मैं अपनी लड़का को जोगी में दान दे दूंगी। ठीक है महारानी, अभी मुझे कोई भिक्षा नहीं चाहिए। आपने खाली हाथ चली जाएगी? खाली हाथ जाऊंगा इसलिए कि जब तक तुम्हारा मनोकामना पूरा नहीं होगा तब तक इस दरबार से मैं कुछ नहीं लूंगा। मैं 12 वर्ष के बाद आऊंगा इस दरबार में, और तुम्हारा जो लड़का पैदा होगा उसका नाम रखना भक्त गोपी चंद। मैं यही नाम रखूंगी। मैं उसको जोगी में दान लेकर यहाँ से जाऊंगा, 12 वर्ष के बाद आऊंगा। ठीक है बाबा, मैं चलता हूँ। मैं आपकी प्रणाम करती हूँ। गर्भवती भवा जाओ महारानी, प्रसाद पा लेना, चलता हूँ। अलख निरंजन बाबा, है क्या बात है? हमरो को खबात का कर्जा? हमारा यह पता न लगा बाबा जो हम औरत हती कि मरद हती।
रे तू मर्द है लेकिन हम कोख बन बलिए रे बाबा ए बहुदा बात के कहीं कोख होता है हां हां बना था हॉस्पिटल में कौन हॉस्पिटल में पटना तुमरो सो के बच्चा पैदा कर दिखे हां बाबा हमरो कोख बात का कजा छोड़ो दे हम तुमको को जरी देंगे हमरा जरी देबो हां अच्छा आज जरी तुम पालोगे जी तो तुमको गर्व हो जाएगा बहुत अच्छा बात है बाबा अगर हो जाएगा तो बच्चा को 9 महीना पेट में पालना पड़ेगा पाल ले भाई बाबा पाल ले भाई बच्चा के हम 9 महीना पाल ले भाई पालोगे ना हां ठीक है ठीक है बच्चा तो पालोगे 9 महीना जी बच्चा जब पैदा करने का टाइम होगा तब क्या करोगे ओकर तू चिंता फिक्र ना करो बाबा ओकरा जब पैदा करे के समय होता है 10 रुपया के चॉकलेट बराबर जेबी में रखबाई ए कोई को चबैत रहबाई लड़का के मुंह में जतई घेघेली तई मुंह में निकाल लेबाई ओकरा हां दूध कहां से पिलाओगे दूध बाप रे बाप ओ मीठा मंग रहिला सतावर खरकुर के मसाला कहबै घैला के घैला दूध होतै हमरा रे बेहुदा दूध कहाँ होगा तुम्हारे पास तो अस्थल नहीं है अस्थल तो ऐसा हो जाते बाबा जब सुइया एक कोई बोले भाई डेढ़ डेढ़ किलो दूध के हो जाते अस्थल कितना पीते ही हमारे लड़का ठीक खिलो देता हूँ एक जरी देता हूँ छोड़ो हवा नहीं लगने देना तुरंत पा जाना हाँ जल्दी पा जाओ हाँ मैं चलता हूँ रे बच्चा चलता हूँ पहले समझाया था ना कि 9 महीना बच्चों को पालना पड़ेगा पेट में अब ना हम बचाओ हो बाबा कौन सुखा गया अब हम ना बचबो बाबा एकरा हटा भगा बा ए बेहुदा इसमें जीव हो गया और जीव की हत्या करना हमारा कर्तव्य नहीं है लेकिन अब हम ना जीवो तुम मर जाओगे नहीं मर जाओगे गैस छोड़ेंगे ना बाप रे बाप गैस छोड़ेंगे गैस ये सब समाप्त कर दें हाँ अगर समाप्त कर बच्चा पैदा करने का शौक पूरा हो गया हाँ पूरा हो गया हमारा धन हो बाबा तो मैं चलता हूँ जा बाबा 12 वर्ष के बाद ही दरबार में आऊंगा पहचानोगे ना अरे बाबा सबसे पहले हम पहचान ले वो हाँ तो मैं चलता हूँ बच्चा की है हो चला दासी सुन बुलाने का खास करेंगे हैं तुम्हें मालूम है नहीं सुन जो मैं करी हूँ दासी मलकिनी जी को है सुन बात गौर से सुन ठीक है मलकिनी सुनाओ Yeah.
जल्दी जाओ और डगरी के जल्दी बुला करके लाओ, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। बहुत जोरों से मुझे पेट में दर्द हो रहा है, मैं अभी जा रहा हूँ। लेकिन रात की मौसम है, रात में अकेली कैसे जाएगी, साथ में द्वार पल के ले लो। ठीक है, आ जाओ जल्दी बुला करके आ जाओ। ठीक कथी मन के निकल तू डराई लगे हम कला डराई हो ना डरावे देखो लंटे मार ले। अच्छा हमें वो लाठी ले ले छी सर पाछा की। अच्छा रोड से चल रहे सारा कपड़ा लत्ता बर्बाद हो जतो। चौड़े चौड़े चल चला चल चल चौड़े जगन घर रही है ढोलना के मतारी ढोलना के मतारी कहित रही सब हे होता है ढोलना के मतारी क्या था हो जाना कहियो गोर लगे लो दीदिया गोर लगे लो दीदिया खुश रहा आए की बात है जाओ केने बैठल है तोरा हम अबू आदमी बुझाई लो बारा देह में दुख भेल है। दुख तो तोरा वैसी परसूत वाला बीमारी पीछा कह ले अब हिया मार दूरा बड़ा का हल्ला कह ले की बात है चिन्ह की ना हमरा के होता तू सब हम सब छोटनापुर से हैं चिन्ह के ना आई लेकिन तनका से भटक जाए ले। भटके को कोई सवाल नहीं थी ना। ओहो घूमत इनने तनका इनने घूमत ओहो हरिया तू पक्का निशान दूर लार पुट्टा तू तो आर मार कर तो गए सबको जाने ले हता चिल्ले लूं लेकिन नजर के बहुत पक्का मार हे भगवान लइका में इतना गोरा हो तो पॉइंट ना पेन के आकार उ खोल के हमरा घर अंगना में तू तो आइत रह लड़का रहिए ना कर खुले तोड़ा घर अंगना में खेले कूदे चल जाइए ओहे से ना चिल लिया मालूम है कुछो की चलो थुना पुर शहर की बात है हमरा मलकिनी के पेट में बहुत ज्यादा दर्द होय वाला है परसौती होय वाला बउवा होय वाला है चला कितना दिन से ना गली कर चला 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 आगे माय के माय अरे बाप रे हे मलकिनी अब न जीवे के मैयो तन का बर्दाश्त करू ना अब बर्दाश्त खा लिया बर्दाश्त करू ना Thank you.
अरे छन छन बेदना छन छन बेदना हो पहाड़ा दीप हो पाचाली माई माई। अब ना जीवे रे बा। ए पेट चिल्लू रे बा। बाप रे। अब ना जीवे के माई पेट चीर के बात ना हुई कहाँ से कुछ हुई हो ना या भगवान हो गले बाप रे की है काकी भौजी मात नाम ला की बात की समाचार है एक आदगो बेनाउ ना हो की रे ला ला बड़ा पसनी आ ला दूर ला ता मात नाम ला बड़ा मेहनत कर गेलो की तोरा बहुत मेहनत थी की कहै छ इतना मेहनत पर लई ना जे कथी कहियो लइका रहै अंदर घेटा नै हमरा ये भीतरी की चाहिए अच्छा तो ये हो गेल कई कथी है लड़का जन्म ले लई बेटा लड़का है बाबू साहेब कोई बात न है अब तोरा इनाम बख्शीश के कमी न रह तो काकी भौजी कहिया अब तू जा घरे रात में केना अखिल सामान लेके जाबा बिहान घर अगना निप कर रखी हा हां 8 बजे रात के बाद वो एक बलोड़ो सामान ले आ हमरा मान ले अभी तू हमरा पहुंचा ना दे तरह ना अब अखरी हमें मौका ना हो जाम तब खुशी के मारे हां ओए से जा जा नी फिकिर जा चल ले जा ठीक ओ मंत्री जी क्या आवाज है दरबार मंत्री जी क्या आवाज प्रधानमंत्री जी खुश रहो द्वार पर अरे आप तो तसल्ली के चक्कर में रहते हैं आखिर काम है तो ये तो क्या करो आज कुछ मालूम है कि नहीं नहीं मुझे पता तो नहीं है आज महारानी जी के कोख से सुंदर लड़का पैदा लिया है तब तो बड़ी खुशी की बात है कि बहुत दिनों के बाद इस राज में बच्चा पैदा लिया जी हाँ इसलिए तुम चले जाओ यहाँ से काशी काशी जाके किसी विद्वान पंडित के बुला के लाओ ताकि वे लड़का को भाग नक्षत्र लक्षण दिखलाओ ताकि वे लड़का का नियम कह जाएगा उसके पास कोई ग्रह है या नहीं ठीक सब देखना तो जरूरत है जा रहे हैं काशी हमर सरदार भी आए अजिया में करार
पंडित जी खड़े का विचार है। क्या चीज पकड़े हुए हैं पैर में? क्या चीज है? जूता तो लगातार 7 बजे तक ला छुट्टी नहीं रहेगा रे। दो चार जूता से हमरे को दी बिकने वाला इज्जत घर घर के चलता है। इज्जत के चल सुनो, रोड में चलता है तो आंख बंद करके मत चलना रे। देख ले आंख के शिकायत हो फ्री में जंदा चल रही है, इलाज हो जाए तो। और रात में निकल जाए ना घर छोड़। तुम्हारा साइज कौन है रे? थोड़ा साथ बताइए, हमको कहाँ जाना है? मरपुर कहीं का रे, तुमको कहाँ जाना है और किस काम से तुम रोड पर टहल रहा है? कोई भगवान है कि भविष्य हाथ जानते हैं बार बार आगे पाछे के हाल है? सफाई है पूर्वक का, हम आपसे पूछते हैं कि हमको कहाँ जाना है। ये बताइए कि आपको कहाँ जा रहा है, इधर उधर कर रहे हैं? ये बात रहा, हमको काशी जाना है। काशी? काशी नगरी? हाँ। अरे काशी नगरी में चलो यारे, यही काशी नगरी, यही काशी नगरी है। ये बताइए काशी नगरी में क्या घर पासी होगा? काशी नगरी में पासी? हाँ। प्यास लगा हुआ? हाँ प्यास लगा हुआ। रे बेखुद कहीं का, काशी नगरी में पासी नहीं है, सब पंडा लोग के घर है। ओ पंडा लोग है, अंडा तो बिकता होगा। देखो कहीं अरे पुरोहित जी ब्राह्मण ला सबके घर है रे। अच्छा अच्छा अच्छा, पंडित जी बोलो। ये बताइए ये काशी में सबसे पैमान पंडित कहाँ मिलेंगे, जो काशी भर में सबसे पैमान होना चाहिए? अरे काशी नगरी में विद्वान पंडित मिलेगा रे। विद्वान पंडित जी से बातचीत कर रहे हैं। आनंद रहो बच्चा, आनंद रहो। पंडित जी बताओ कि कहाँ से तुम आए हो? हम धुनापुर शहर से आए हैं। धुनापुर शहर? राजा तिलक चंद सिंह के मकान से। वहाँ क्या बात है रे? महारानी जी के कोख से सुंदर लड़का पैदा लिया है। वहाँ के तुम कौन आदमी हो? हम वहाँ का द्वारपाल है। बहुत अच्छी बात, चलिए लड़का को थोड़ा भाग में क्षेत्र देखिए। ठीक ठीक। अब मुहमाना ही नाम लेकर आई द्वारपाल। आज से 12 वर्ष पहले मैंने धुनापुर शहर में गए हुए थे। हाँ गए थे। उस वक्त राजा तिलक चंद सिंह के पत्नी के कोख से बच्ची पैदा हुआ था। आ, लड़की, 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 लड़की। उस वक्त मैं भी पत्रा देखा था और मैं भी उस बच्ची के नाम धरा था बीरमा। अच्छा। जो प्रियमपुर में उसको शादी हो गया है प्रियम सिंह के राजा। ठीक ठीक चलिए। आज तो उनको लड़का हुआ है। मुहमंगा इनाम मिलेगा, बहुत सारा इनाम मिलेगा रे। उस पे ट्रैक्टर से ले गए थे। चलो मैं चलता हूँ। पंडित जी प्रणाम। मंत्री साहब आनंद रहिए। पंडित जी आपको बुलाने का कारण है कि इस रात में बहुत दिनों के बाद एक बच्चा पैदा लिया है। वे बच्चा को भाग नक्षत्र लक्षण दिखलाना है कि बच्चा है कैसे, कैसा उसके पास कोई जरा है या नहीं। देख रहे हैं, देख रहे हैं। नाम क्या रहेगा? आ दिया जा
आवाज उठाओ बाबा जी जान धनियाई बाबू गोपी चंदा होसी गवा सच हलिया मदरी हो जली रा बता मुझी चिना मारी तो हो रहे थी चोरी तू नहा हो चोरी तू नहा हो जिनका भला मगरा ही में मधान जी की मंत्री साहब। हाँ महाराज। लड़का अच्छा नक्षत्र में पैदा लिया है मंत्री जी। क्या बात है। लड़का हरियर छत्तर में पैदा ले लग रे कान से बहरा गया नहीं सुनते हो। पंडित जी को कहना है कि लड़का अच्छा नक्षत्र में पैदा लिया है। ओ नक्षत्र की बात सोनपुर के बाद हमरा बुझाई लड़का जान हरियर छत्तर में पैदा लेलके। मंत्री साहब। हाँ महाराज। लड़का बहुत भाग्यशाली है। लड़का वैशाली है ही वैशाली है। अरे बेहुदा हम समझते थे कान से बहरा हो गया लेकिन वैसी बात नहीं। तुम्हारा दिमाग का फ्यूज उड़ गया है नहीं समझते। पंडित जी को कहना है कि लड़का भाग्यशाली भाग्यशाली है। लड़का भाग्यशाली है। हाँ हमारा समझ में लड़का वैशाली है। मंत्री साहब। हाँ महाराज। लड़का पास के कोई घर उड़ा नहीं सारा घरों से बचा हुआ है। बताइए मंत्री जी क्या बात है। पंडित जी का दिमाग ही ना खराब है। कैसे गर्रा नहीं रहेगा तो पानी कैसे गिरेगा। क्या समझ लिया तू। मकान मराइयो सारा। अरे मारे कैसे समझ गया। ग्रह जानते हो। ग्रह ग्रह जानते हो। इसे समझाते हैं। ग्रह होता है राहु ग्रह होता है केतु ग्रह होता है शनि ग्रह होता है। शनि ग्रह सबसे खतरनाक ग्रह है। सबसे खतरनाक शनि ग्रह अगर तुम्हारे परिवार के ऊपर चढ़ जाएगा तो तुम अपना पत्नी के कहना सुबह जब उठेगी स्नान करेगी और एक कमंडल चाहे एक लोटा पीपल पर जल चाहिए। अगर शनि ग्रह तुम्हारे परिवार के ऊपर चढ़ जाएगा तब मतलब हमारा पत्नी के ऊपर चढ़ते चढ़ जाएगा तब हमारा पत्नी को। हाँ क्या हुआ हमारा पर न चढ़ का हमारा पत्नी पर वे ग्रह जो होता है किसी को दिखाई नहीं देता है तुम हमारा पर नहीं चढ़ सकता। अरे ठहरो ठहरो समझाता हूँ। वे ग्रह साधारण ग्रह नहीं है। सूर्य देव का पुत्र शनि है जिसे लोग शनि ग्रह कहते हैं समझा। वे ग्रह सबको लगता है। वे ग्रह के तुम देख नहीं पाओगे कि ग्रह कैसे लग गया। कटेगा तो वो हमारे पत्नी के ऊपर चढ़ेगा। तुम पे भी लग सकता है ऐसा। तो हम पर चढ़े वो। हाँ तुमको भी लग सकता है ग्रह। रख दो ये समझता है ना ये खामोखा बिगड़ जाता है बेहुदा। कहता हूँ कि रख दो। बहुत दिन लड़का खच्चर बुझा रहा है मंत्री साहब। क्या कीजिएगा महाराज इस राज में बहुत दिन से रह रहा है दरबारी है इसके दिमाग बहुत। ये लड़का का नाम मेरा पत्र में उतरता है भक्त गोपीचंद। बहुत सुंदर नाम सुना रे लड़का के नाम भक्त गोपीचंद बहुत अच्छा है भक्त गोपीचंद। अब पंडित जी को अच्छा ढंग से भोजन करा दो ये और दक्षिणा दे दो ताकि झूनापुर राज का शिकायत नहीं होना चाहिए। ठीक समझा। जाओ मंत्री जी आगे के कार्यक्रम देखू खा कह लो की खाए जाए हमसे कह रहा है ना तो गाँव वाला के कही है कि रे देखो अगर तुम्हारे दरवाजे पर हित कुटुम आ जाए तो तुम अपने कुटुम से पूछेगा कि सर मेहमान जी जीजा जी बहुत दिन पर आए हैं आप खाइए या कि नहीं खाइए। बेचारा के खाऊ के मन रहेगा
खाएंगे कि घोड़े से खा के आए? ना, खाना खेले होगा तो ठीक है, या ना तो जाकर खाब घोड़े से। ऐसा करो, काशी नगरी बहुत दूर है, और अच्छा होता कि पंडित जी का दही चूड़ा सवेरे के टाइम है, कुछ दही चूड़ा पवा दो। दही चूड़ा को उपलब्ध ना हो? दही चूड़ा को उपलब्ध नहीं है तुम्हारे पास? ना ना कुछ ना हो। अगर तुम्हारे पास में दही चूड़ा उपलब्ध नहीं है तो कुछ फल फूल खिला दो। फल खाऊं? हाँ, सेब हो, अंगूर हो, नाशपाती हो। पंडित जी, कल हम एगो पौधा लगा लियो। कल एक पौधा लगाया जी, बहुत अच्छी बात। आज सुबह से पौधा फल देने लगा। कल एक पौधा लगाया जी, आज सुबह से पौधा में से पौधा फल दे छै। फल देता है? हां, जखनी फल दे छै तखनी आवाज भी करे। कमाल की बात कर रहा है रे, पौधा में से फल देगा तो पौधा आवाज करेगा? कैसे बात करेगा? एगो खब हूं तो मन कर दो जो 10 को 12 को खाई थी। हां, आवाज कैसे करे छै जो सुन लो? कैसे कर रहा है? चोटा कह के हम समझ गए। कल एक तुम मुर्गी लाया है और मुर्गी के तुम पौधा कहता है। आज सवेरे से मुर्गी जो अंडा देती है उसी के फल कहता है। जाओ रे चुट्टा कहीं पंडित, कांच माच अंडा मुर्गी खाने वाला नहीं खाएंगे। जा रहे हैं, जा रहे हैं, जा रहे हैं, जा रहे हैं। मंत्री जी, अरे हम तो समझा बुझा कर देते। अरे अच्छा ढंग से भोजन करा दिया ना? अरे पंडित ब्राह्मण कहता है जो नहीं खाता है, लगभग 1.5 किलो चूड़ा, 4.5 किलो दही खाया। चाहे कितना खिला दिया है ना जी, दक्षिणा दे दिया। दक्षिणा 5,051 रुपया दे दिए हैं। चाहे कि महाराज तिलक सिंह यहाँ नहीं है तो सब कुछ तो हम ही को करना पड़ता है, शिकायत नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे आगे के कार्यक्रम देखा जाए। आला श्री रंजन, आला श्री रंजन, आला श्री रंजन, आला श्री रंजन। दंडवत बाबा, खुश रहो बच्चा, तो मुझे पहचानते हो? नहीं बाबा, एक तो राज दरबार है, आप जैसा महात्मा कितने आते हैं कितने जाते हैं इस राज दरवाजे पर से, कहां से हम जान पहचान रखे? इतना जल्दी भूल गया? हाँ, ठीक है, तुम मुझे मत पहचानो। महारानी महल में है क्या? हाँ महारानी जी तो महल में है। जाकर महारानी से कह दो क्या 12 साल पहले जो महात्मा आए हुए थे फिर आए हुए हैं, वह आपसे मिलना चाहते हैं। ठीक महारानी जी, जा खबर कर दो महल में। क्या बात है? बोलो। महात्मा जी के कहने के मतलब है जे इस राज में 12 साल पहले हम आए थे, जाओ महारानी जी के बोल दो, कहे जे पहचानता है बच्चा, हमने कहा जे हम आपको नहीं पहचान रहे हैं। यहाँ तो राज दरबार है, इस राज दरबार में कितने महात्मा आते हैं कितने महात्मा जाते हैं, कहाँ तक यादगारी हम लोग के रहेगा? लेकिन चलो, मैं चल रही हूँ। चलिए, लेकिन दर्शन तो कर लीजिए। महात्मा जी की प्रणाम। रानी जी की जय हो। कैसी हो महारानी? महात्मा जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम मुझे पहचान रही हो ना? जी नहीं। तुम भी भूल गई? महात्मा जी सुनिए, यहाँ तो राज दरबार है, इस राज दरबार में आप कैसा महात्मा कितने आते हैं कितने जाते हैं? एक है मत पहचानो, लेकिन मैं तुमसे कुछ कहना चाहूंगा। ठीक है महात्मा जी, क्या कहना चाहते हैं आप? अह बीती जावा जला रही, अह बरहा Thank you.
सुंदरा बला कब है भलो सुंदरा बला कब है भलो बचवा के जगिया में देहू महात्मा जी हमको तुम्हारा राजपाट नहीं चाहिए, हाथी घोड़ा नहीं चाहिए, धन संपत्ति सोना चांदी नहीं चाहिए, मुझे चाहिए गोपीचंद। आज जब तक गोपीचंद के दान नहीं दोगी जोगी में, तब तक मैं तुम्हारा दरवाजा नहीं छोड़ूंगा। महात्मा जी आपने जो रास्ते से आए हैं वो रास्ता आपका इंतजार कर रहा है। या नहीं तो दरबारी अगर महात्मा जी चल गए तो ठीक है, नहीं तो यहाँ से महात्मा के गला में हाथ करके दौड़ा दो। महात्मा जी जिस रास्ते से आप आए हैं वो रास्ता आपका इंतजार कर रहा है। नहीं तो क्या होगा, एयरटेल के जो टावर लगाए हुए हैं मार हथौड़ा से टावर को फोड़ देंगे। देवदा तुम मेरे जाटा को एयरटेल का टावर कहा? रे जी तो चाहता कि मैं तुमको शराब दे दूं, लेकिन फिर सोचता हूँ कि बाल लच्छेदार हो गए। मैं जाता हूँ, मुझे टावर नहीं तोड़वाना है, मैं चला जाऊंगा। लेकिन सुन लो, जानते हो जो देना जानता है वे लेना भी जानता है।
जाता हूँ गोपी चंद मेरे कुटिया पे खुद आएगा, गोपी चंद मेरे कुटिया पे खुद आएगा, और मैं जब तक उसको अपना चेला नहीं बनाऊंगा तब तक चैन का नींद नहीं सोऊंगा। देख लूंगा महाराज जी, गोपी चंद मेरे खुद देख लूंगा दरबारी। महात्मा जी चल गए, हाँ नहीं जाता तो सारा एयरटेल के टावर जो लगाया हुआ था ना। अरे एयरटेल का टावर नहीं, वो महात्मा का जटा। अच्छा किया तूने जो भगा डाला जी। एक काम करो, तुम जल्दी ही जाओ मंत्री जी के, जल्दी बुला करके ले। मंत्री जी क्या आवाज है द्वारपाल? महारानी जी आपको बुला रहे हैं। ठीक है चलो मैं उनसे मुलाकात करता हूँ। आहे हाथ तजोरी कैली नरानी है, श्री मामा माना नरानी है।
सदिया का रे दोहे रानी भजमान राधे सामा भजमान राधे सामा सीताराम लगाई है न बिरा पारन दीनी मालखेम मंत्री जी इसलिए मैं आपको बुलाई हूँ। आपको दिल में ये लालसा है और कहने का मतलब ये है आपका कि मेरा बेटा भक्त गोपीचंद जवान हो गया यानी शादी जो हाँ। आपको कहने का मतलब ये है कि आप मंत्री कैसे सुंदर लड़की खोज के शादी करा। हाँ मंत्री जी लड़की सुंदर होना चाहिए लड़की पढ़ी लिखी होना चाहिए। ठीक है मालकिन मैं आपको वचन देता हूँ कि गोपीचंद जी को सुंदर लड़की पढ़ी लिखी लड़की अच्छे घराने की लड़की से मैं उन्हें शादी करा दूँ। हाँ मंत्री जी इसलिए मैं आपको बुलाई थी। ठीक है मालकिन जी आप जाए महल आराम करें इसके लिए जो मुझे सोचना होगा मैं सोच रहा हूँ। तो मैं जा रही हूँ द्वारपाल। मंत्री जी मालकिन हमसे कुछ कहे तुम्हें जानकारी नहीं होगी। वो बच्चा रहे कहे आपसे हमको कैसे जानकारी होगा। इसलिए तो मैं जानकारी दिलाना चाहता हूँ। क्या कहे हैं मालकिन को कहना है कि मेरा बेटा गोपीचंद जवान हो चुका जवान हो गया यानी शादी जो शादी जो। उनका कहने का मतलब यह है कि मंत्री आप कहीं से सुंदर लड़की खोज के उसे शादी करा दे। जाइए गांव गांव में पता लगाइए ये सुंदर लड़की कहाँ है किसको कहते हैं। बेहुदा मैं उन्हें वचन दे दिया हूँ कि मैं उन्हें सुंदर लड़की खोज के शादी करा दूँगा। अरे तो कोई लड़की वाला हम लोग के यहाँ आएगा तब तो हम लोग जाएंगे देखने। कहा बिल्कुल ठीक की लड़की वाले आएंगे तो हम बातचीत करेंगे। कि लड़की वाले के ये जानकारी नहीं होती है कि फलाने गांव में फलाने बाबू के यहाँ लड़का है तब तो आते हैं लड़की वाले। घबराओ नहीं इसके लिए मेरे पास रास्ता है। क्या रास्ता है? यहाँ से हम दोनों गुरु चौक चलेंगे। गुरु चौक चलेंगे यहाँ से हम दोनों एक बन के चलेंगे वहाँ हो जाएंगे दो। मतलब यहाँ से एक बन के चलेंगे हाँ और गुरु चौक जाकर दो हो जाएंगे। यानी दो होने का कारण किसी चाय के दुकान पर दो चाय के दुकान पर हम बैठ जाएंगे। अच्छा अच्छा आने जाने के लिए रास्ता बनी हुई है लोग आते हैं जाते हैं। और इस चर्चा करेंगे कि झूनापुर के रहने वाले बाबू तिलकचंद सिंह जिनके पास एकलौता पुत्र है जिनका नाम भक्त गोपीचंद है वे शादी जोग हो चुके हैं। यदि शादी होता तो हम लोग पुरुष के आदमी बराती तो जाते हैं। आने जाने के लिए रास्ता बनी कहीं किसी आदमी से मुलाकात हो जाए तो कहानी में कहा हुआ है कि सांप भी मर जाए लाठी भी बच जाए। तो विलंब से विलंब की चलो हम चलिए 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 शहर में राजा तिलक चंद सिंह के पास एक लौता पुत्र है जिनका नाम भक्त गोपीचंद है। शादी जोग हो गए। यदि शादी होता तो धूमधाम से बराती सजा जाता अड़ोस पड़ोस के भी आदमी बराती जाते हम भी बराती जाते। है भाई लगता है कहीं के राह भूल गए हैं उन्हें रास्ता बता दो अच्छा रहेगा। हमको कहाँ जाना है हजूर? हमसे कहा था ना हमको क्या पता। हम तुमसे क्या कहा था कि कहीं के राह रास्ता भूल गए उन्हें जाके रास्ता बता दो।
तू जाके उनसे पूछते हो कि हमको कहा, तू कहाँ जाओगे वे क्या जानते। तुमको ये पूछना चाहिए कि महाराज आप कहाँ जाएंगे, तब तो रास्ता बताता। महाराज हाँ, आप कहाँ जाने के लिए सोच रहे हैं? 10 दिन आगे जाते हैं, 10 दिन पाछे हटते हैं और सोचते रहते हैं, कहाँ जाने के लिए सोच रहे हैं? हम तो कुछ दिन से जाते आते हैं और सोचते भी हैं, लेकिन पता चला है झूनापुर शहर में राजा तिलक चंद सिंह है, मैं वहीं जाने के लिए सोच रहा हूं। सुने हैं ये राजा तिलक चंद सिंह के पास एक लौटा पुत्र है जिसको नाम भक्त गोपी चंद है, मैं वहीं जाने के लिए सोच रहा हूं लड़का के लिए। लेकिन झूनापुर शहर जाने से पहले उस राज का मंत्री जी इसी चाय के दुकान पर बैठे हुए हैं, उस लड़का के बारे में मंत्री जी से बतिया लीजिए, उसके बाद घर द्वार देखिएगा। राजा तिलक चंद सिंह का मंत्री जो है जी चौक पर चाय पी रहे हैं। अच्छा साहब, अच्छा होता आप मंत्री जी से मुलाकात करा दे। ठीक, ओ मंत्री जी क्या बात। नमस्ते मंत्री जी। नमस्ते 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 महाराज। महाराज मुझे बुलाने का कारण क्या है, किस लिए आप मुझे बुलाए? मंत्री जी आपको बुलाने का कारण यही है जे आप राजा तिलक चंद सिंह का मंत्री हैं। हाँ महाराज, राजा तिलक चंद सिंह के पास एक लौटा पुत्र है जिसको नाम भक्त गोपी चंद है। बिल्कुल ठीक बता रहे हैं आप। बस मंत्री जी उसी लड़का को लिए हम चले थे। यानी आपके पास बच्ची है शादी जी? हाँ मंत्री जी। मैं समझ गया। हाँ महाराज, मालकिन हमसे भी कहे थे कि मंत्री जी अब गोपी चंद जवान हो चुका है, उसे शादी करना जरूरत है। अच्छा था तो बहुत बढ़िया बात है मंत्री जी। तो ठीक है महाराज, शादी होगा, मैं बता दिया आपसे, शादी करने का विचार हो गया है, तो उसमें फिर नका तो कोई सवाल ही ना होता है। हाँ मंत्री जी, लेकिन सबसे पहले तो मंत्री जी आप लड़का को दिखलाइए, उसको बात देना बातचीत होगा। लड़का? हाँ ठीक है, थोड़ा समय दीजिए, लड़का स्कूल गया, मैं बुलवा देता हूँ, आप स्वयं देख लेंगे। ठीक है बुलवाइए। द्वारपाल गोपी चंद जी गए हैं स्कूल। अच्छा, यहाँ से फोन कर दो ताकि वे चले आएंगे। ठीक, लड़की वाले जो है जाइए, वे खुद लाइए। मोबाइल है भाई, इसी जगह हमारा मोबाइल छूट गया। मोबाइल हेलो हेलो। हाँ मास्टर साहब, भक्त गोपीचंद नाम का जो लड़का है स्कूल में, हमारा स्कॉर्पियो आपका स्कूल का गेट पर लगा हुआ है, उस लड़का को भक्त गोपीचंद नाम है, दो चार लड़का मिलकर गेट पर लड़का को लाकर गाड़ी में बैठा दीजिएगा जी। हम झूनापुर से बोल रहे हैं, हम उन्हीं का नौकर हैं, भक्त गोपी चंद जी का नौकर हैं हम। हेलो जी, प्रणाम। पूछ लो क्या बात है। चलिए घर पर। क्यों? बर्तुहार लोग आए हैं। बर्तुहार? बर्तुहार कैसा? वो अगुआ मालिक, अगुआ अगुआ। अगुआ किसको कहते होते? वो अपने के ब्याह होए, शादी होए। शादी ब्याह अभी होगा जी? तब कहिए। शादी का रुकन दिया है अपने के माता श्री अगुआ सा का दूरा पर बैठल है। ओ हमारी माँ का दिल हो गया शादी करने का जी। जी लेकिन सुन लो, शादी भाई तो बात कच्ची है, शादी बाद में होगा जी।
अभी अभी जो तुम मोबाइल से फोन किया है जी, उस मोबाइल तुम कहां से लाए? ई मालिक नोकिया कंपनी के 1650 है। ई पटना मारुगंज से ले ले। पटना मारुगंज से ले। हां पटना मारुगंज से ले ले। जाओ रे बेहुदा कहीं क्या? अरे जब तुम्हारे पास आंख उख नहीं है तो दिमाग नहीं है? दिमाग तो हमारा कंप्यूटर लेखा दौड़े है। अरे नोकिया कंपनी का 1650 है, बाटा कंपनी का चप्पल है। वो ऐसे कहे थी तो कान में लगवाई थी तो नाक में मोह गया। अनाज का बेटा कोई टावर के ना ढले के मैं टावर तो इसे पकड़ा है। ओ ले 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 चलो चलिए घर पर आओ। क्या बात है मंत्री जी? आपको इसको इसे बुलाने का कारण है क्या? आप देखने के लिए आपको एक बरतुहार आ गए हैं, मैं उन्हें ठहरा दिया हूँ, इसलिए मैं फोन कराया था। कहाँ बरतुहार है? हाँ। आइए आइए महाराज। हाँ मंत्री जी, आप जिस काम के लिए आए थे मैं लड़का के बुलवा दिया हूँ, वे सामने है, देखिए लड़का, और जो पूछना है पूछ सकते हैं आप। हाँ मंत्री जी। महाराज प्रणाम। खुश रहिए। बोलिए आप कहाँ आए हैं? हम आए हैं आपसे कुछ पूछने के लिए। हमसे पूछना है? हाँ यही परिचय पत्र पूछना है। कहाँ आपको घर पड़ता है, क्या नाम पिताजी का है, क्या नाम शुभ नाम अपना है, यही सब पूछने के लिए आए। क्या मेरा पता और मेरा घर द्वार के बारे में हमारे मंत्री और हमारा द्वारपाल आपसे कुछ नहीं कहे? आपका मंत्री और द्वारपाल सारा बात तो कहे हुए हैं, लेकिन फिर भी फर्ज बनता है अपना से पूछने के लिए। सुनिए, झूनापुर शहर है। हमारे पिताजी का नाम राजा तिलक चंद सिंह है, मेरा नाम भक्त गोपी चंद। बस जितना बात आपका मंत्री कहे हैं उतना बात आप भी कहे, इतना ही बात पूछना था।
अब आप जा सकते हैं। महाराज को प्रणाम। खुश रहिए। मंत्री जी। हाँ महाराज। अब बताइए ये अब लड़का किस ढंग से दीजिएगा? लड़का आपको पसंद हो गया? जी हाँ। कोई तरह के सस्पेंशन तो नहीं है? कोई तरह का सस्पेंशन नहीं है। हाँ लड़का देंगे, अभी का जो रंग रिवाज है उस ढंग से यदि शादी करना चाहेंगे तो मैं लड़का दे दूंगा। हाँ मंत्री जी, अभी जो रंग रिवाज जो चल रहा है वो तो हमको देना ही पड़ेगा। हाँ तो वही कुछ दहेज तो देना होगा। हाँ मंत्री जी, कुछ तो देना ही पड़ेगा, लेकिन कह दीजिएगा तो अच्छा रहेगा, बीच बीच में बाद में सक्सेशन नहीं होगा। ठीक है महाराज, थोड़ा समय दीजिए। ठीक है मंत्री जी, अपना मैं कुछ राय मशवर कर लेता हूँ, उसके बाद मैं बता दूंगा। मंत्री जी। महाराज। सब बात तो हो गया, लेकिन राजा तिलक चंद सिंह को हम नहीं देखे। हाँ महाराज, आप नहीं देखे तो नहीं देखेंगे। अच्छा, इसलिए क्या से 12 बरस पहले गए थे शिकार खाने, अभी तक वापस नहीं आए? अच्छा, झुनापुर राज में वे है नहीं। इस राज में एक महारानी है, एक मैं मंत्री हूँ, ये द्वारपाल है, बस एक गोपी चंद, इतना ही हम है। तीन आदमी है ये। मंत्री जी, 12 साल उनको शिकार खेलने गए हुआ हो गया, लेकिन आज तक नहीं वापस नहीं आए। मंत्री जी, खैर कोई बात नहीं है। अरे राजा तो नाम कहते हैं, लेकिन जितना कारोबार राजा को है, मंत्री और नौकर मिलकर के राज को चलाते हैं। खैर कोई बात नहीं, नहीं है राजा तिलक चंद सिंह तो कोई बात नहीं है। अरे आप तीन आदमी है ना? हाँ। तीनों आदमी विचार करके हमको सुना दीजिए। इसलिए कहा कि थोड़ा समय दीजिए। ठीक है द्वारपाल जी। लड़का तो उन्हें पसंद हो गया। पसंद हो गया था, शादी के लिए कह रहे थे। क्यों ना बातचीत कर, बातचीत क्यों ना कर ली? बातचीत मैं कर लिया, लेकिन बाबू तिलक चंद सिंह यहाँ नहीं। हाँ वो तो यहाँ है नहीं। शादी हो जाएगा, यदि आएंगे तो सर्वप्रथम तुमसे पूछेंगे कि द्वारपाल गोपी चंद को शादी कर दिया, तुरंत कहोगे कि मैं नहीं जानता हूँ मंत्री, इसलिए थोड़ा भार तू भी ले लो। इसे क्या कहना है? लड़की वाले से लेन देन के लिए बात कर लो, ये मेरा हुक्म है। ठीक, बात कर लो। मालिक। हाँ। लड़का तो पसंद पड़ गया होगा? हाँ साहब, लड़का पसंद है। कोई तरह का सस्पेंशन? कोई तरह का सस्पेंशन नहीं। लड़की का उम्र कितना होगा? लड़की का उम्र 18 साल होगा। तो लड़का कै साल का चाहिए आपको? लड़का कम से कम 20 साल का हमको चाहिए। और यदि लड़का का उम्र 20 साल नहीं पूरेगा और 10 साल के दो लड़का मिल जाएगा तो होगा कि नहीं? अरे पागल हो गया रे, इधर आ, इधर। हमको के पास एक बच्ची है शादी जोग, जिसकी उम्र 18 साल है। ये सोच रहे हैं कि यदि 20 साल के लड़का मिल जाए तो मैं शादी कर लूं। तुरंत जोड़ दिया तो दूना 20, एक लड़की के साथ दो लड़का से शादी करेगी? तुम्हारा दिमाग कहीं चला गया है रे बेगुदा? गलती की बोला? गलती बोला है नहीं मालिक, गलती हो गया हमसे। खैर कोई बात नहीं है। तो लड़का को पसंद पड़ गया? हाँ। कोई तरह के सस्पेंशन है ये नहीं है, इसमें कौन बड़ी सी बात है? लड़का को पास कोई चीज का कमी नहीं है? हाँ ये बात तो है। 14 कोस का राज है, हाथी हंसार घोड़ा घोड़सार, धन संपत्ति अगम अपार है। लेकिन बारात सजने के लिए थोड़ा नकदा पैसा दे देना होगा। बस बस वही तो हमको पूछना था, ये थोड़ा पैसा आप कह रहे हैं, लेकिन बोल दीजिएगा बात को, ये कितना लेंगे, कितना लेंगे, उसको बात अच्छा रहेगा। ठीक, कहे जाके दीजिएगा 44,000 रुपया दे दीजिएगा नकदा। ओसा 44,000 क्या होता कि 44,000? थोड़ा
बराबर गलती ये बोलता है रे, 44 होता है कि 44 होता है, चार पर चार ना होता है रे, चार पर चार 44 ना होता है, 44 नहीं ना होता है। मंत्री जी हमको बराबर पूर्वक बनाते हैं, 44,000 से एक पैसा तो कम लेंगे ना पैसे। ठीक है घबरा नहीं महाराज, हाँ 44 के 44 ही समझता है, क्या कीजिएगा, जो कहता है वो कीजिए आप। ठीक है हम उनसे बतिया लेते हैं। ओ साहब, हाँ आप 44 से कम नहीं लीजिए ना, एक को पैसा में कम लेंगे ना, एक को पैसा बेचे लेंगे। ओ साहब, जब आप 44 से कम नहीं लीजिएगा तो ठीक है, आपको 44 से मिलेगा, लेकिन हमको लाना पड़ेगा 45 से, लेकिन आपको 44 से देंगे तो 45,000 पर हम ना करेंगे। कहे ना जब हम लाएंगे 45,000, लेकिन आपको देंगे 44,000। ठीक है, मानी ये बात हम कह रहे हैं। अच्छा, बर्तन में क्या दीजिएगा? बर्तन में फूल मिलेगा, तम्मा मिलेगा, पीतल मिलेगा। कहे नजायज पैसा बर्बाद कीजिएगा, नजायज हो जाएगा। राज दरबार है, एक चौका का बर्तन अल्मुनियम से दे।